हर हर महादेव। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वीडियो में आपको इन चारों धाम में सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कैसे जाना है, कब जाना है, कहां रुकना है, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में। बने रहिए पूरे वीडियो में, और अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका स्वागत है हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। सबसे पहले केदारनाथ धाम की महत्वता जानते हैं। मान्यता ये है कि महाभारत के लड़ाई के बाद पांडवों को अपने गोत्र के लोगों और ब्राह्मण की हत्या करना पाप महसूस हुआ। उन्होंने अपने सारे राज्य की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दी। शिव जी से फिर आशीर्वाद लेने के लिए काशी गए। शिव जी उनके काम से बहुत नाखुश थे और पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। पांडव फिर शिव जी को खोजने गढ़वाल क्षेत्र में गए, लेकिन फिर भी उन्हें शिव जी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब भीम दो पहाड़ों के बीच में खड़े होकर शिव जी को खोजने लगे। तब भीम गुप्त काशी में एक सांड को चढ़ते हुए देखे। भीम समझ गए कि यही शिव जी है। शिव जी ने ये देखा तो वो धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उनके पीछे का पैर और पूछ पकड़ लिया। बाद में सांड के विभिन्न भाग धरती के अलग अलग जगह से उभरने लगे। हाथ तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में, बाल कल्पेश्वर में और पीठ केदारनाथ में। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर जहां स्थित है, वहां का मौसम बहुत हार्श होने के कारण विग्रह की पूजा अप्रैल से नवंबर तक केदारनाथ मंदिर में होती है और बाकी 6 महीने उखी मठ में होती है। में आए बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास सारे इलाके को काफी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मेन मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर आके रुक गया था, जिसे आज भीमशिला भी कहते हैं, और उसके कारण मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। मान्यता यह भी है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना की थी और यहीं पर महासमाधि ली थी। 5 नवंबर 2021 को उनका एक भव्य मूर्ति की स्थापना हुई थी, जो कि मंदिर के पीछे है। ये मूर्ति की हाइट 12 फीट है और वजन 35 टन है, और इसे मैसूर के शिल्पकार योगीराज शिल्पी ने बनाया है। ये मूर्ति एक बहुत ही पावरफुल पत्थर क्लोराइट चिस्ट से बनाई गई है, जो कि किसी भी प्रकार के मौसम को झेल सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने कब जाएं। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद होता है। साल के बाकी 6 महीने विग्रह की पूजा उखी मठ में होती है। कपाट खुलते वक्त भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर पहुंच जाती है, इसलिए आपको कपाट खुलने के 1 महीने के बाद का प्लान करना चाहिए केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। बारिश का महीना जो कि जून लास्ट वीक से अगस्त के एंड तक होता है, उस समय आपको महादेव के दर्शन करने का प्लान नहीं करना चाहिए। फिर सितंबर से कपाट बंद होते तक आप आराम से धाम आए और महादेव के दर्शन करें। इस वक्त भीड़ भी काफी कम होती है। हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ दर्शन करने कैसे जाएं। सबसे पहले आप उत्तराखंड पोर्टल में अपनी यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवा लें डेट अनुसार। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नॉर्मली लोग अपनी यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश तक भारत के हर कोने से ट्रेन आती है। दिल्ली आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से सबसे निकट एयरपोर्ट देहरादून में है,
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। आप अपनी जर्नी तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश से पर्सनल कैब हायर कर सकते हैं। इसका बिलिंग पर डे अनुसार होता है। 4 सीटर का अप्रॉक्स 3,500 रुपए पर डे और 6 सीटर का अप्रॉक्स 5,500 पर डे लगता है। सेकेंडली, आप बाइक स्कूटी पर डे रेट अनुसार रेंट पे ले महादेव के दर्शन कर सकते हैं। थर्डली, आप लोकल ट्रांसपोर्ट से भी आराम से महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार आप आराम से ट्रेन या बस से जा सकते हैं। फिर आप हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए बस ले सकते हैं, लेकिन यात्रा के समय ये आपको सोनप्रयाग में ही छोड़ देगा, जिसका आपको अप्रॉक्स 500 रुपीज लगेगा। रूट होगा हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी और फाइनली सोनप्रयाग। आप चाहे तो जीप से भी रुद्रप्रयाग तक आ सकते हैं और फिर वहां से कैब या बस से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए बोलेरो लेना होगा, जिसका पर हेड 50 रुपीज लगता है। यात्रा के समय सोनप्रयाग के आगे पर्सनल कैब नहीं जाती है। गौरीकुंड पहुंच आपकी 22 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। बोर्ड पे 16 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये 22 किलोमीटर की जर्नी होती है। आप इसे पैदल पिट्ठू खच्चर या हेलीकॉप्टर से पूरा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको पहले से ही बुकिंग कर लेनी चाहिए, जिसका बोथ साइड अप्रॉक्स 4,500 रुपए लगता है। पैदल मार्ग से अराउंड 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। पिट्ठू और खच्चर जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन उम्र दराज लोगों को ही इसका उपयोग करना चाहिए। पिट्ठू करने का रेट मनुष्य के वजन अनुसार होता है। पिट्ठू का अप्रॉक्स 8,000 से 10,000 रुपए लगता है और घोड़े का अप्रॉक्स 4,500 रुपए लगता है। ये दोनों का बोथ साइड का रेट है। हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं रुके कहाँ। रुकने के लिए बेस्ट होगा सोनप्रयाग सीतापुर या गौरीकुंड। नॉर्मली रेट पर बेड का 1,000 रुपीज होता है, लेकिन भीड़ देखते हुए लोग रेट अप डाउन करते हैं। हम लोग जब जून के महीने में गए थे, तब हमें सीतापुर में पर बेड 1,200 रुपए लगा था, जिसमें डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। मंदिर के निकट या केदारनाथ टॉप में आप GMVN के साइट से पहले रूम या टेंट अपने लिए बुक कर ले। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। केदारनाथ की यात्रा अगर पैदल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने पहले से आप घर पे वॉकिंग करें, ताकि 22 किलोमीटर की ट्रेक करते वक्त आपको परेशानी ना हो। ठंडी के कपड़े अच्छे से लेकर आए, क्योंकि केदारनाथ टॉप पे काफी ठंड होती है। अपने साथ सारे नॉर्मल मेडिसिन भी रखें, हो तो कपूर भी रखें। टॉप पर अगर सांस लेने में दिक्कत हुई तो कपूर हेल्प करती है। आप अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट भी रखें, क्योंकि इस ट्रेक पर कभी भी बारिश हो सकती है। नॉर्मली दोपहर 3 बजे रोज बारिश होती है। हर हर महादेव। अपने साथ इनफ कैश भी लेकर चले, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू होता है और दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी हो सकती है। बाकी यात्रा लंबी है, हमेशा महादेव का नाम ले और आगे बढ़े। हर हर महादेव।
केदारनाथ मंदिर के पास में ही पूजा कार्यालय है, जहां पूजा अर्चना के बारे में पूछ सकते हैं। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसका आपको 5,000 रुपये लगता है, जिसमें 1 से 5 लोग तक शामिल हो सकते हैं। आई होप केदारनाथ यात्रा रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। महादेव के कपाट 10 अप्रैल 2024 को खुल चुका है। आप अपनी यात्रा का प्लान अच्छे से करें और महादेव के दर्शन करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें। चलिए आपसे मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। हर हर महादेव।